हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आए मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 111 दो पहिया वाहनों की चोरी करने वाले आरोपी ललित भोंगे को कोंढाली से गिरफ्तार किया है। जानकारी मिली है कि आरोपी ललित ने करीब 77 लाख की यह गाड़ियां नागपुर और अमरावती से चुराई है। नागपुर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 77 लाख की दो पहिया वाहन चुराने वाले आरोपी ललित भोंगे को गिरफ्तार किया है। जानकारी मिली है कि आरोपी ललित अमरावती का निवासी है, जो रूम करके कोंढाली में रहता है और वहीं से अपना यह गोरख धंधा चलाता है। पुलिस ने बताया कि 250 सीसीटीवी खंगालने के बाद यह कामयाबी हाथ लगी। एक आरोपी है जो काफ़ी दिनों से, लगभग 2 साल से वाहन चोरी कर रहा था और ये हमारे क्राइम ब्रांच को पता चला और इसके बाद में उसके घर से लगभग 20 वाहन मिले हमको, मोटरसाइकिल्स मिले हैं। तो वो उसके बाद में जब हमने इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया तो उसके बाद में पता चला कि लगभग 111 इसने अभी तक वाहन चोरी किए थे और उसमें से हमने सभी लगभग बरामद किए और 85 FIRs अभी तक दर्ज हुई हैं इसमें। और इसने, इसके अलावा भी कोई वाहन ऐसे हैं जो इसने बेचे हैं, उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और क्योंकि ये काफ़ी टाइम से कर रहा था, हमें ऐसा लगता है कि इसने 111 से ज़्यादा वाहन इसने और भी शायद चोरी किए होंगे और बेचे होंगे। ये जो वाहन थे ये ग्रामीण भागों में इस तरह के वाहनों को बेच रहा था और वहाँ से जो हमारी टीम ने रिकवर किए हैं। और ये कार्रवाई जो आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी क्योंकि काफ़ी वाहन यहाँ पे चोरी होते हैं या आसपास के जो सिटीज़ हैं, जैसे अमरावती है, वहाँ पे भी इस तरह के, हमने जब कम्युनिकेट उनसे किया, उनके यहाँ भी इस तरह की चोरियाँ होती हैं। तो आसपास में जहाँ भी होती हैं तो इस कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि कई बार जो है आरोपी यहाँ से लेके या तो ग्रामीण भाग में या वहाँ सिटी में बेचता है उसको, तो ये सब चीज़ें हम कोऑर्डिनेट करके बाकी जिल्लों से, बाकी शहरों से बात करके इस पर कार्रवाई करेंगे। इसमें हैं 9 जिले जो हैं, उसमें हमको 9 जिलों में गाड़ियाँ मिली हैं। जो अभी तक डिटेक्ट हुई हैं गाड़ियाँ वो सब महाराष्ट्र की हैं। लगभग 77 लाख से ज़्यादा इसकी जो है कीमत अभी तक आकी गई है। तो ये लगभग 24 साल का है ये आरोपी और लगभग 12वीं क्लास तक ये पढ़ा है, ये इसका एजुकेशन बैकग्राउंड है। तो इसमें जो है या तो लॉक तोड़ के या फिर वो, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से पता नहीं है, तो ये डुप्लीकेट चाबी से भी उसको कई बार खोलता था इसको। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी वाहन बेचने का काम करता था। वह चुराई हुई गाड़ियों के जाली दस्तावेज भी बनाता था, वाहनों को बेचता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद करीब 9 जिलों से 85 वाहन चोरी के मामलों का भी खुलासा किया गया है। पुलिस को शक है कि इस मामले में एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है, जिसकी तहकीकात भी पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंखलवार की रिपोर्ट।